स्वागत है। अगली खबर इलाहाबाद से, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील से आज सीएम योगी मिलेंगे। सीएम सुबह 8:30 बजे मुलाकात करेंगे, अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से भी सीएम मिलेंगे और 8:30 बजे हाई कोर्ट पर जाके मुलाकात होगी। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से भी मिलना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर हड़ताल है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ कर रहे हैं मध्यस्थता। पोषण माह का आज होगा शुभारंभ। पोषण माह शुरू किया जा रहा है, उसका आज से शुभारंभ होगा और इसी के साथ ही प्रतिनिधिमंडल से भी आज मुलाकात करने वाले। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, अधिवक्ताओं से प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने वाले हैं, क्या अपडेट है, कब तक होगी मुलाकात? बता दूं आपको कि जिस तरीके से इलाहाबाद के माध्यमिक का जो भी कार्यालय था वो उठ करके सीधे लखनऊ आ रहा है, उसको लेकर के अधिवक्ता वहाँ के तमाम गणमान्य लोग विरोध में है और उसी को लेकर के आज 8:30 बजे 5 कालिदास आवास पर उनके एक डेलीगेशन की मुलाकात होगी। और हालांकि इस पूरे मामले को सिद्धार्थनाथ सिंह क्योंकि वहाँ पे स्थानीय विधायक भी है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है तो मध्यस्थता कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिल करके, और जो शिक्षा के कार्यालय है वो जो लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं उसको रोके जाने का प्रयास उनका है वकीलों का, और इसी वजह से आज मुलाकात होगी उनकी। और लगातार इसके पहले उनका लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। जी संजय, और क्या क्या उनके कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं इसके बाद? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मिलकर के वो अपनी मांगे पूरी रखेंगे और उन मांगों पर किस तरीके से विचार होता है और मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं तो वकील वहाँ के तमाम गणमान्य लोग उसके बाद उसका फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनकी मांग है वो यही है कि प्रयागराज बोर्ड जो वहाँ पर स्थापित था वो वहीं पर रहे, उनके कार्यालय यहाँ लखनऊ न शिफ्ट किए जाए, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद जो नए मंत्री बने हैं अवस्थी जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो शिक्षा के कार्यालय है वो उठ करके अपनी राजधानी लखनऊ में ही होंगे और एक प्रांगण में होंगे, जिससे लोगों को भटकना न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 की मौत हो गई। आपको बता दें कि भारी ट्रॉली और कार के टकराने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 महिला 2 पुरुष भी घायल हुए। मुरादाबाद की पूरी घटना जहां पर ट्रॉली और कार के टकराने से यह हादसा हुआ। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बीच सड़क पर ट्रैक्टर रोक कर खड़ा था चालक और उसी के बाद यह हादसा होता है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। कुंदरकी के मुरादाबाद आगरा हाईवे की पूरी घटना है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 की मौत हुई है। 2 महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। ये ट्रॉली और कार के टकराने से हादसा हुआ है। हादसे में 2 महिला बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली रोक कर खड़ा था चालक और उसी के बाद यह हादसा होता है। पुलिस ने फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और कुंदर की के मुरादाबाद आगरा हाईवे की पूरी घटना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, मुरादाबाद में देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से लोगों की मौत हुई है, बताई जा रही कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए? स्वाति जी, मैं आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के जो आगरा नेशनल हाईवे वहाँ लड़की थाना क्षेत्र में हुआ है, जहाँ जो ट्रैक्टर था वो हाईवे किनारे खड़ा था और तेज रफ्तार कार आ रही वो पीछे आ गए ट्रैक्टर में जाते घुसे, जिसमें मौके पर 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष और 1 बासठ बच्चे की मौत हुई है। जिसमें एक हालत में है और 5 लोगों को सीएम के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो गोविंद, फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग घायल भी उसमें हुए, उनके क्या परिजनों को सूचित किया जा चुका है, उनको इस घटना के बारे में बताया जा चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर चित्रकूट से, जहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत। आपको बता दें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 1 सिपाही सहित 2 की मौत हुई है। चित्रकूट में सड़क हादसे में मौत, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 1 सिपाही भी उसमें शामिल था और सिपाही के साथ 2 लोग और भी थे, उनकी भी मौत हुई है। डायल 100 में ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद यह हादसा हुआ है। पंचर बनवाते समय टक्कर मारी गई। 2 घायल जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। अगली खबर आपको बता दें शाहजहांपुर से, इस वक्त की जहां पर होटल की लिफ्ट में फंसने का मामला सामने आया है। होटल की लिफ्ट में 45 मिनट तक लोग फंसे रहे शाहजहांपुर के एक होटल में, जहां कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया उसके अंदर से। सदर बाजार के रॉयल पन्ना होटल की
ये पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर आर के तिवारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी ने पदभार ग्रहण किया, लोक भवन में आर के तिवारी ने पद संभाला है। नवनियुक्त मुख्य सचिव आर के तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई अनूप चंद्र पांडे को बधाई शुभकामनाएं, उनका 14 महीने का सफल कार्यकाल रहा है, विकास कार्यों ने मानदंड स्थापित किए हैं और आगे इन्हें ले जाना है। हर एक, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर एक स्थान पर रहा। इसी प्रकार वृक्षारोपण में 22 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाने, ये एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं उसको तो, और वो भी पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, हर मोमेंट कितने पेड़ लग रहे हैं, वो इलेक्शन मोड में वो पूरी व्यवस्था कराई गई। तो ये इसमें निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो टीम हमारी है ये बहुत सफल तरीके से कार्य कर रही है। सर्वप्रथम तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका विगत 14 महीने का मुख्य सचिव का कार्यकाल एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा ही उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है और प्रदेश को आज जिस स्थिति तक पहुंचा करके वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बहुत ही उच्च उन्होंने प्रशासनिक मानदंड स्थापित किए हैं। हम सबके लिए ये एक सुखद स्थिति भी है और एक चुनौती भी है। चुनौती इस बात की है कि इन्होंने जो प्रशासन के, जो विकास कार्यों के और जो जनता की भलाई के लिए जो कार्य करने के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं उनको बरकरार रखा जाए और उसको और नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। आपका और मेरा विगत 34 वर्ष का साथ रहा है, इस साथ में हम लोग भारत सरकार में भी साथ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से जहां जीप को कैंटर ने मारी टक्कर और गश्त कर रही पुलिस जीप को ये टक्कर मारी गई है बताया गया है। सब इंस्पेक्टर, चालक और 2 लोग घायल बताए गए इस पूरे घटनाक्रम में। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। दादरी के दादरी बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर जीप को कैंटर टक्कर मारी। एक और बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां एटीएम से बदमाश ने की लूटपाट। अंबेडकर नगर में एटीएम मशीन उखाड़ बदमाश ने की लाखों की लूट और एटीएम मशीन को कप्तान आवास के पास छोड़कर भाग गए। 5 दिन पहले आईसीआईसी बैंक में भी लूट हुई थी और एक बार फिर बदमाशों ने एटीएम में लूट की घटना को अंजाम दिया है। आगरा में दीवाने यानी न्याय का मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया है। देखते ही देखते आक्रोशित अधिवक्ताओं ने तारीख पर आई एक महिला और उसके साथी युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगरा दीवाने के न्यू आगरा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 4 की घटना है, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि गेट नंबर 4 के पास एक महिला अपने साथ एक युवक लेकर आई, तभी पता चला कि किसी बात को लेकर पुरुष अधिवक्ता और महिला के बीच में वाद विवाद हुआ। बस न्याय के मंदिर में अधिवक्ता अपनी सीमा लांघ बैठा और महिला और उसके साथ में आए पुरुष को दौड़ा कर पीटा गया है। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बने देखते हैं और गेट नंबर 4 पर महिला और उसके साथी युवक की वकीलों द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से है, जहां पर एएमयू के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में हुई मॉब लिंचिंग का विरोध किया गया है छात्रों की तरफ से। मार्च में मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं और दिल्ली में मदरसा टीचर की हत्या हुई थी उसको लेकर भी इन छात्रों में रोष दिखा। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और दिल्ली में हुई मॉब लिंचिंग का विरोध किया। हाथरस में अधिकारियों के सामने गुंडों ने किसान को जहर खिला दिया, इसके बाद किसान की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये कि अपराधी इतना बेलगाम कैसे हो गया है। किसान का कातिल सिस्टम, जमीन के लिए ले ली जान, गुंडों ने जहर खिलाकर ले ली जान, अधिकारियों के सामने खिलाया जहर।
हाथरस में सिस्टम का जो सच सामने आया है वो किसी को भी शर्मसार कर दे। यहाँ अधिकारियों के सामने जमीन के लिए गुंडों ने गरीब किसान को जहर खिला दिया जिससे उसकी जान चली गई। दरअसल हाथरस जंक्शन के शेखुपुर अजीत में जमीन की चकबंदी करने लेखपाल कानून को पहुँचे थे और इनके सामने ही दबंगों ने वृद्ध किसान को जहर खिला दिया। चकबंदी विभाग की टीम गई थी डीएम साहब का आदेश लेके। डीएम साहब जब गए 8 दिन से जिले में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ खेत जोतने की कोशिश की। मेरे पिताजी और माताजी चारा काट रहे थे, विरोध करने पर उन्होंने मेरे पिताजी को घसीट के कुछ खिला दिया। किन लोगों ने? नेत्रपाल व ब्रजेश कुमार। कौन है ये? पुत्रगढ़ सुल्तान सिंह, मेरे खास साहब के लड़के हैं। इसके संबंध में तहरीर पुलिस को दी गई है, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, जांच के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता ये है कि जो दिवंगत शरीर है उसका पंचनामा करा करके उसको पंचतत्व में विलीन किया जाए। हाँ, अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाने के साथ ही कार्रवाई की मांग की है, पर सवाल ऐसे अधिकारियों और सिस्टम पर है जिनकी आंखों के सामने किसान की जान ले ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर लखनऊ से, जहां आज शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाली 25 हस्तियों को एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो विकास के पथ पर अग्रसर यूपी देश में सबसे बड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी भारत की जो शिक्षा प्रणाली, एक बार जोरदार तालियां। और किसी भी देश का युवा अगर सही मार्गदर्शन पाता है तो वो विकास का नया आलेख लिख देता है, और यही कोशिश है स्टडी फॉर आईएएस की। 105 विद्यालय बनाने के बाद अब 48 महाविद्यालय डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं। दो यूनिवर्सिटीज हमने बनाना शुरू कर दिया है, मतलब उसका हमने विधानसभा से पास करके राज्यपाल जी का अनुमति हमें प्राप्त हो गया है, आगरा और सहारनपुर। समाचार जगत में एक ऐसा नाम जो समाचारों को जीता है। समाचार कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे खबरें निकाली जा सकती हैं, और विपरीत परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहा जा सकता है, अगर किसी से सीखना है तो वो नाम है ब्रजेश मिश्र का, ऐसा मैं कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से सक्रियता से हमने कदम रखा, हमारे प्रदेश ने निजी क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों ने बड़े निवेश किए हैं, बड़े विजन के साथ काम किया है, बड़े लंबे समय तक काम किया है, और उसका नतीजा है कि आज चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर का क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को लेकर, तकनीकी शिक्षा को लेकर बहुत काम हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैसे जैसे जो शिक्षा का नया हब उभर रहा है, बन रहा है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय डिप्टी सीएम साहब के जो प्रयास हैं, उस क्रम में रही सिंह साहब का भी बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है, और प्रतियोगी परीक्षाओं और देश की अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी का बहुत शानदार अवसर उपलब्ध कराया है। बुलंदशहर में कई दिनों से दहशत का पर्याय बन चुके मगरमच्छ को आखिरकार गांव वालों ने पकड़ लिया है। पकड़ में आने के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ के साथ सेल्फी भी ली, सोशल मीडिया पर तस्वीरों को भी वायरल किया है, और मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेते वक्त लोगों के बीच ये चर्चा का विषय भी बना रहा। देखिए, मगरमच्छ के साथ सेल्फी की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के गांव जड़ौल स्थित रजवाहे की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक दहशत का पर्याय बन चुके मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, बेखौफ एक युवक तो मगरमच्छ को हाथ लगाता भी देखा जा सकता है। बता दें, बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव जड़ौल स्थित रजवाहे में कई दिनों से मगरमच्छों की चहलकदमी देखी जा रही थी। मगरमच्छों को लेकर आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ था। सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने रजवाहे में मगरमच्छ को देखा तो लोग भारी तादाद में रजवाहे के पास जमा हो गए।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी की मदद से इस दौरान युवक मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेने लगे। इसके बाद गाँव वालों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी और मगरमच्छ को उनके सुपुर्द कर दिया। बुलंदशहर से मनोज की रिपोर्ट। मेरठ की कैची की धार भले ही पूरा देश मानता हो, लेकिन मेडिकल साइंस में पाकिस्तानी कैची इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान से आने वाली सर्जिकल कैची पुलवामा अटैक और कश्मीर से धारा 370 के हटने के मुद्दों में ऐसी अटकी कि अब भारत में इसकी सीधी आपूर्ति बंद कर दी गई है। शानदार फिनिशिंग और बेहद तेज धार वाली स्टेनलेस स्टील की ये कैंचियां पाकिस्तानी हैं। उत्तर भारत समेत देश के सभी चिकित्सा बाजारों में पाकिस्तानी सर्जिकल कैंची की अपनी एक अलग ही धार है। ये कैंचियां पाकिस्तान के सियालकोट और कराची में बनती हैं। चिकित्सा विज्ञानियों के लिहाज से बेहद उम्दा क्वालिटी की इन कैंचियों और पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बाजार में कोई सानी नहीं है, मगर फरवरी में पुलवामा अटैक और फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों देशों के खराब रिश्तों ने इन कैंचियों की आवाजाही रोकती है। मेरठ का मेडिकल मार्केट एशिया के चुनिंदा चिकित्सा बाजारों में शुमार है। ऐसे में पाकिस्तान से आने वाली कैंची को मेरठ की कैंची से ज्यादा उम्दा माना जाता है क्वालिटी के लिहाज से, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे रिश्तों की तलखी का असर अब इस बाजार पर भी पड़ा है। कैंची के दाम 150 से 200% तक महंगे हो गए हैं। सारा सीजीरियन जो प्रोडक्शन है ये सारा सियालकोट में होता है, थोड़ा बहुत कराची वगैरह में भी होता है, मेन जो है सियालकोट में ही होता है। पुलवामा के अटैक के बाद जो मोदी गवर्नमेंट ने जो 200% एक्साइज कर दिया था, टैक्स जो बढ़ा दिया था 100% के अलावा 200% जो कर दिया, उसकी वजह से काफी महंगा हो गया था ये। बेशक राष्ट्रहित सब मुद्दों से ऊपर है, मगर क्या पाकिस्तान जैसी कैंचियां और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने देश में बना पाना मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन बाजार की हालत में कोई नया निवेशक पैसा लगाने को राजी नहीं है। पाकिस्तान से आने वाला सामान नहीं, सामान तो हमारे यहाँ का भी बहुत महंगा है। उसके लिए भी कभी मैंने सांसद जी से बात की थी कि इनकी MRP डाउन की जाए, और अगर थोड़ा बहुत देश के लिए कुर्बान भी करना पड़े तो उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। सरकार आर्थिक हालात के सुधार में व्यस्त है और चिकित्सा बाजार में बढ़ी ये महंगाई मरीजों की जिंदगी की कीमत तेजी से बढ़ा रही है। नरेंद्र प्रताप, भारत समाचार, मेरठ। गोंडा, जहां 2 सितंबर को पड़ रहे लाखों करोड़ों शिव भक्तों की आस्था के प्रतीक कजरी तीज त्योहार को लेकर पूरा जिला शिवमय हो गया है, लेकिन भक्तों की आस्था पर कैसे प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश तिवारी ने। जिस महापर्व का कल मेला लगने वाला है और जिस रास्ते से होकर के 5 से 7 लाख की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जाने वाले हैं, आपको हम उस रोड का वो सीन दिखाते हैं जिसको देख करके आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गोंडा का जिला प्रशासन शिव भक्तों की आस्था के साथ किस कदर खिलवाड़ करने पर आमादा है। इस रोड की अभी कुछ ही दिन पहले पैचवर्क कराया गया था, जिला प्रशासन ने कजरी तीज के मद्देनजर इस रोड का पैचवर्क कराया था, लेकिन जो पैचवर्क कराया गया है उससे आप देख सकते हैं कि ये रोड है और ये है कंकड़ गिट्टी पत्थर, जिनसे होकर के 5 से 7 लाख की संख्या में श्रद्धालु कल नंगे पांव जलाभिषेक के लिए जाने वाले हैं। हम जान सकते हैं इन गिट्टी पत्थरों को देख करके कि हर साल की तरह एक बार फिर से जो उनकी आस्था है वो इन गिट्टी पत्थरों से एक बार फिर से लहूलुहान होगी। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था के प्रतीक भगवान शंकर का ये वही पृथ्वीनाथ मंदिर है जहाँ पे कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु नंगे पांव आकर के जलाभिषेक करने वाले हैं। हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि ये देखिए ये कितना बड़ा शिवलिंग है। ये बताया ये जाता है कि वदंती जैसी की बताई जाती है कि एशिया महाद्वीप के 48 देशों में ये एक ऐसा इकलौता शिवलिंग है जिसकी स्थापना भीम ने की थी अपने अज्ञातवास के दौरान। बताया ये भी जाता है कि जिस ब्राह्मण राक्षस का उन्होंने यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान वध किया था उसके श्राप से मुक्त होने के लिए भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसकी खासियत है इस शिवलिंग की कि यहाँ चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, जब तक वो अपने पंजे के बल पे पूरी तरीके से नहीं खड़ा होता है तब तक इस शिवलिंग पे वो जल नहीं चढ़ा पाता है। कल इसी शिवलिंग पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु नंगे पांव आकर के 65 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर के अपने आराध्य भगवान शंकर को जलाभिषेक करेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।